प्रदेश में 2,20,000 से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं। उत्तराखंड आने के लिए प्रवासी कर चुके हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या एसओ की भी है जिन्होंने पंजीकरण तो किया लेकिन अब वो आना नहीं चाहते। प्रदेश के परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने साफ कहा है कि पंजीकरण करने वाले प्रवासियों में से 30% ऐसे भी हैं जो अब उत्तराखंड आना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब उनको दोबारा उनको फोन किया गया कि कितने लोग आना चाहते हैं, तो लगभग 700 के आसपास लोग ऐसे थे जो आना चाहते थे, जिनको लाया गया। तो करीब ये मान के चलिए कि मोटा मोटा 30% लोग ऐसे थे पटियाला में, सॉरी पानीपत में, जो कि नहीं आना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज खुल गई है या अन्य काम धंधे शुरू हो गए। तो ये लोग अब नहीं आना चाहते। ये ट्रेंड करीब 30% के आसपास था, मैंने शहर आपको सैंपल बताया। ये ट्रेंड बढ़ने की संभावना है, जैसे से काम शुरू होगा ट्रेंड। तो लगातार रजिस्टर्ड किया जा रहा है, पंजीकरण किया जा रहा है। इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हैं। पंकज, लाखों की संख्या में उत्तराखंड आने के लिए लोगों ने पंजीकरण किया, पर कहीं ना कहीं एक संख्या बाहर निकल के ये भी आ रही है कि 30% लोग ऐसे हैं जो नहीं आना चाहते। जिस तरीके से लोग ये समझ रहे हैं, चाहे वो जो प्रवासी लोग हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि या तो पहाड़ में आकर उनको 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और ये भी एक उनके लिए मुश्किलों भरा होगा, क्या वहाँ पे व्यवस्थाएं मिल पाएंगी। और जिस तरीके से बाहर निकलने के बाद संक्रमण हो रहा है मेट्रो इलाकों में और तमाम जगहों पर, जैसे उत्तराखंड में भी जो लोग प्रवासी आ रहे हैं उनमें भी संक्रमण देखने में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग ये भी सोचने लगे हैं कि हम घर पे ही ज्यादा सुरक्षित हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं। अब इसमें से ज्यादातर वो लोग होंगे जिनके वहां पर घर होंगे, क्योंकि लगभग 2,10,18,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण करवा दिया है। ऐसे में अब वो लोग भी सामने आ रहे हैं जो जिनके अपने वहां पे घर हैं, वो नहीं, अगर वो अपने घर में रहें तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, अगर वो पहाड़ में कहीं यात्रा करते हुए नजर आएंगे तो क्या पता वो संक्रमण के शिकार हो जाएं। तो ये तमाम चीजें भी लोगों के दिमाग में आ रही है, इसलिए अब लगता है कि कई लोग ऐसे भी हैं जब 30% के लगभग बता रहा है शासन कि जो जिन लोगों को ये रेगुलर फोन कर रहे हैं वो अब आना नहीं चाहते, वो अब वहीं रहना चाहते हैं। तो कहीं ना भी एक नई बात है कि लोग पहले तो पंजीकरण करवाते हैं और उसके बाद अब आने के लिए इच्छुक नहीं है। जी बिल्कुल पंकज, ये बड़ा आंकड़ा है 30%। यदि लोग पंजीकरण के बाद भी वापस नहीं जाना चाहते तो कहीं ना कहीं मन में डर भी लोगों के अंदर समा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम अपडेट के लिए।